बिहार को हम लोग अब नक्शा के हिसाब से सीखेंगे। बिहार का नक्शा कैसा है? चतुर्भुज के समान है। अंत कहेगा बिहार का नक्शा कैसा? चतुर्भुजाकार, लगभग चतुर्भुज के समान में। आयताकार कहेंगे तो ये हो जाएगा, वर्ग कहेंगे तो ये हो जाएगा, रोम्बस कहेंगे तो ये हो जाएगा। उससे अच्छा ससुरा कुछ मत बोलो, चतुर्भुज बोल दो। कुछ बनाएगा, चार को कोना रहेगा, चतुर्भुज में आएगा। कुछ कर दो, यहाँ पर समझ में आएगा कि नहीं? जब कुछ समझ में नहीं आए तो कॉमन नाउन का प्रयोग करना चाहिए। बीचों बीच से कौन सी नदी जाती है? कौन नदी? ये गंगा नदी बीचों बीच से जाती है। उत्तर बिहार पूरी तरह बाढ़ से परेशान है। यहाँ बाढ़ की समस्या प्रमुख समस्या है और तीन तीन नदियां ससुरा बाढ़ लेकर चलाती है। इस साइड में जो रहती है गंडक और इस साइड में कोसी और इसी में आ जाती है कमला। कौन आ जाती है? कमला। तो बीच वाले में कमला तबाह कर देती है, लेकिन उतना भयानक तबाही नहीं लाती जितना कोसी लाती। और इस साइड में कौन लाती है? गंडक। कौन लाती है? गंडक। अब बचा हुआ इधर मानी मिले घाघरा, ये कौन आती है? घाघरा। नदियों को ये सब में ये सब साइड साइड वाली नदियों को बाद में देखेंगे, पहले मेन मेन नदियों को देखते हैं। इस साइड में बाढ़ मेन ले कौन ले आती है? कोसी। और उस साइड में गंडक। अब बीचों बीच में कौन नदी है? उत्तर बिहार की सबसे प्रमुख समस्या बाढ़। उत्तर बिहार की सबसे प्रमुख समस्या बाढ़, बाढ़ की समस्या है। कोसी नदी को नेपाल के लोग सप्तकोशी कहते हैं और नेपाल पूरी तरह से पहाड़ी एरिया है, एकदम भयानक पहाड़ है नेपाल। और नेपाल के पहाड़ों से जब नदियां निकलती हैं तो उनका ग्रेडियंट बहुत हाई होता है। ग्रेडियंट को बोलते हैं प्रवणता, ढाल। ग्रेडियंट को प्रवणता या ढाल बोला जाता है। तो नदियों की जो शक्ति मिलती है मेन उनके ढाल से मिलती है और नेपाल से उसको इतनी भयानक शक्ति वेलोसिटी मिल जाती है कि दहाड़ते हुए नीचे उतरती है। कौन कौन नदी? कोसी नदी। और गलती से भी अगर कोसी नदी नेपाल में एक डिग्री का एंगल चेंज की, कितना डिग्री? एक डिग्री, तो बिहार पहुंचते पहुंचते दूसरे टोला में चल जाएगी। तो पता चला इस साल कोसी ए टोला से तो अगले साल ओ टोला से। सबको पता था कि कोसी ए टोला से जाती है, ओ टोला में चाचा खटिया लगा के सोए थे, आई खटिया सहित लेके चल गई। सवेरे खोजा रहे, चाचा कहाँ गई लो, चाचा दह गई लो। तो धोखेबाज नदी या विश्वासघाती नदी किसे कहते हैं? इतना ये धोखा क्यों देती है? रफ्तार बहुत तेज होता है। तो जिंदगी में कोई भी बहुत तेज रफ्तार से आए तो समझ जाइएगा धोखा देके जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लड़की सब भी समझ जाती है। तो विश्वासघाती नदी किसे कहते हैं? लाइव वाले लोग सब समझ रहे हैं ना, कोसी नदी को कहते हैं। इसे बिहार का शोक यानी दुख कहा जाता है और हकीकत में भी है। बिहार को तो बर्बाद करके रख दिया ये नदियां। तो यहाँ कोसी नदी को समझ गए बिहार का शोक क्यों कहते हैं, विश्वासघाती क्यों कहते हैं। दो तीन समस्या है। जिस समय कोसी नदी में यहाँ बाढ़ आया रहता है ना, उस समय रोहतास सासाराम का एरिया सूखा में डूब चुका रहता है। यहां से यहां नहर ना ले सकते हैं ना? हद है, मत ले जाइए नहर। हम कहां कह रहे हैं कि आपको यहां से नहर ले जाना है? नहीं ले जाना है नहर आपको। जैसे एक बात बताते हैं हम आपको, यहां पे बिहार देखें, यही नदी ना बाढ़ लाती है। अगर बाढ़ के वक्त में हम इस गंगा नदी को पानी को 80% खींच के सुखा दे तो ये बाढ़ का पनिया तो इसमें एब्जॉर्ब कर जाएगा। बाढ़ आता क्यों है कि गंगा भी लबालब भरी है, गंडक भी लबालब भरी है, जगह नहीं है कि कोसी के पानी को एब्जॉर्ब किया जा सके। इसलिए अब कोसी के पानी को है नहीं तो कोसी का पानी फैल जाता है इधर उधर। यहां से यही एरिया ना सूखा रहता है, यहां से चार पांच गो नहर बना के और इस एरिया से सारा पानी डगरा दो, गंडक घोघरा सब इधर एरिया में, ये बाढ़ से खत्म। यहां पे क्या आ जाएगा? हरियाली आ जाएगी और यहां पानी ये कम जाएगा, यहां पर तो जलस्तर नीचे रहेगा, जो एक्स्ट्रा पानी है यहां लेवल में आके चला जाएगा। क्या जरूरत है आपको यहां से लेके नहर ले जाइला बिना वहां तक इस परियोजना। यहाँ एक और समस्या है, ये जमीन जो है ना थोड़ा ऊंची है, ये जमीन ऊंची है और वो नीचे है, पनिया नहीं चढ़ेगा। तो इसके लिए एक आता है लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन ये होता है कि जैसे पानी ये हल्का सा उठा है ना, तो यहां पर लिफ्ट इरिगेशन के लिए मोटर लगा के यहाँ एक बड़ा सा डैम बना दिया जाता है और पानी को इस डैम से इस साइड में लाया जाता है। ये एरिया ज्यादा ऊंचा होता है जिस वजह से ये डगर जाता है। ऐसे ही लिफ्ट इरिगेशन तेलंगाना में बनाया गया है, तेलंगाना में लिफ्ट इरिगेशन को बनाया गया। तो इस सब को इसको फुर्सत है। यहाँ पर बाढ़ आने से बहुत लोगों को फायदा होता है क्योंकि सरकार टेंडर जारी करती है लाखों रुपए की कि बाढ़ में आप सहायता कीजिए, उसी में लूटना बनेगा। तो बिहार की समस्या दो समझे, उत्तर भारत बिहार की सबसे बड़ी समस्या। अब आते हैं दक्षिण बिहार में, किसमें? दक्षिण नक्सलाइट। दक्षिण बिहार में नक्सल नक्सलाइट समस्या। यहाँ पुलिस गायब हो जाती है, पुलिस स्टेशन उठा ले जाता है।
और किसका फांसी किसका इनकाउंटर होगा बकायदा लिख के चिपका देता है, फला आदमी हमारे खिलाफ गवाही दिया था, चल जाएंगे। कोई है इधर दक्षिण बिहार का नक्सलाइट एरिया का? नक्सलाइट क्या आप लोग वहां ऐसा होता है कि नहीं होता? अरे बाप रे बाप, मर्डर बड़ा इजीली कर देता है सब। तो ये समस्या यहाँ नक्सल समस्या यहाँ पर बहुत धीरे धीरे सुधर रहा है, जितना सुधरना चाहिए उतना नहीं सुधर रहा है। ये नदी बता सकते हैं? हाँ, सोन। कौन नदी है ये? पुन पुन। कौन है? पुन पुन। ये फल्गु, किउल। किउल नदी तो क्यों, लखीसराय और किउल के बीच में एक तो नदी है किउल नदी। कूदिएगा तो हाथ पर टूट जाएगा। पानी कहाँ रहता है उसमें? बहुत कम पानी रहता है, हिल जाता है, घुटना पर पानी रहता है वहां पर। और दोनों स्टेशन के बीच में गैप भी नहीं है, इधर लखीसराय इधर किउल, पैदल चल जाएगा आदमी लखीसराय और किउल के बीच में। आप में से बहुत सारे लोग होंगे ही वहां पे। किउल के पास कौन सी नदी है? किउल नदी। ये दक्षिण बिहार की मेन नदियां हैं सब। ये नदी कर्मनाशा, इसमें जो नहा लेता है उसका कर्म क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। हम इसमें भी नहाए हैं और गंगा में भी नहाए हैं, समझ आ गया कि नहीं? एक बार फॉर्मेट मार दिए पूरे कर्म को, किसमें जाके? कर्मनाशा। सबको अपने पापों का अंदाजा होता है, यूं ही गंगा में इतनी भीड़ नहीं लगती। तो कर्मनाशा में आदमी नहा लिया, हम लोग पाप करे के फुर्सते नहीं मिला। टाइम चाहिए ना पाप करे का। सबको पाप करना भी, आदमी जानबूझ के तो कई नहीं, भाई यार आदमी अनजाने में भी कई को पाप कर दिया। तो ये कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा नदी में कहा जाता है कि आपका सारा कर्म क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि ऐसा होगा? कोई महान व्यक्ति को कर्मनाशा में नहाइए, क्या ये नदी उसके पापों को पुण्य को धो सकती है? नहीं। बहुत ही अधर्मी भी रहेगा तो गंगा में नहाने से उसको क्या स्वर्ग मिल जाएगा? नहीं। लेकिन आस्था है गंगा पवित्र शिव जी के जटा से। तो दक्षिण भारत की या प्रमुख बिहार की प्रमुख नदियों में ध्यान रहेगा, बोलिए ये कर्मनाशा, ये पुन पुन, फल्गु, किउल नदी। कौन नदी? किउल। फल्गु नदी के किनारे किसको ज्ञान की प्राप्ति है? महात्मा बुद्ध। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि दक्षिण भारत से वह नदी जो ठीक पटना के पास आके मिल जाती है, पुन पुन, ठीक पटना के पास मिलती है पुन पुन, फतुहा जगह है पटना में। पटना से बाहर निकलेंगे ना, पटना मेन सिटी जैसे खत्म होगा फतुहा चालू हो जाता है। फतुहा आने वाले 10 साल में फतुहा पटना आपस में मिल जाएगा, इतना ज्यादा करीब में ही है। तो फतुहा के पास कौन नदी आके मिल जाती है? पुन पुन नदी। और किउलवर में कौन आके मिलती है? सोन नदी। किउलवर में आके मिलती है सोन नदी। सोन नदी दोबारा बनाते हैं आप लोग को, ये नदी बनाना पड़ेगा, इसलिए 4 बार 5 बार बनाएंगे तो आप खुद से देख के बनाइएगा। बिहार को बनाना कैसे? एक तो बीच में से इस टाइप का बना देंगे, बिहार हो गया यहाँ पे। ऊपर वाला थोड़ा सा इसे तेढ़ टाढ़ करके लंबा ले जाइए, आ इसको तेढ़ टाढ़ करके इसे छोटा ले जाइए। थोड़ा सा गैप रहना चाहिए, एक तो बड़ा एक तो छोटा रहना चाहिए। अब बस इसको इसे इस करके मिला दीजिए, हो गया। एकदम डर डर के नक्शा नहीं खींचना है। त्रिभुज कहाँ हुआ है? नदी कौन नदी है? गंगा नदी। बिहार को कितने भागों में बांट देती है? दो भागों में बांट दी गंगा नदी। ये साइड से आ रही है कौन नदी? कौन नदी है? कर्मनाश। कर्म क्या हो जाएगा? नाश। ये सोन नदी, यहां डायरेक्शन दे देते हैं सोन नदी का। उसके जस्ट यहां पे कौन सा जगह है? पटना। अब कौन नदी आके रही है? कौन नदी? पुनपुन। कौन सी नदी है? पुनपुन। पटना के पास ऊपर से एक और नदी आती है, ये देखिए गंडक। गंडक जो है ना कहाँ मिलेगी? पुनपुन, पटना और ये पुनपुन और सोन के बीच में कौन मिल जाएगी? गंडक। गंडक तो पटना के जस्ट पास जगह है हाजीपुर। हाजीपुर में कौन? हाजीपुर के पास सोनपुर है। पटना के पास कौन जगह है? सोनपुर। तो सोनपुर में कौन नदी आके मिल जाती है? गंडक नदी। कौन नदी? गंडक। अब पटना के जस्ट पास है पुन फतुहा। फतुहा में कौन नदी? पुनपुन। पटना जिला में इस साइड में आपका कोइलवर। कोइलवर में कौन मिलेगी? सोन। सोन। अब यहां ऊपर में देखेंगे एक और नदी आती है अयोध्या से, सरयू नदी। छपरा के पास आके मिल जाती है, किसमें? गंगा में। पटना के पास इतना ना पानी की मात्रा बढ़ जाती है, इस एरिया में इतनी पानी की मात्रा बढ़ जाती है कि ये ही जाके चढ़ाई कर देते हैं कहां पर? इस डायरेक्शन में। और यही नदियां मिलके गंगा को पूरी तरह भर देते हैं और यहां से बाकी का काम कर देती हैं सब, कोसी वगैरह पूरी तरह से। इधर तो छोटी मोटी नदी है सब, ये सब किउल वगैरह, ये
ये तो फाल्गु है, फाल्गु ये क्यूल क्यूल, ये फाल्गु, ये उत्तर भारत की नदी देख, दक्षिण बिहार की नदी मुख्य रूप से, उत्तर बिहार की भी कुछ देख लेते हैं नदी, खतरे का संकेत से बना देते हैं कोसी नदी। ये कौन सी नदी है? कोसी। नेपाल में इसे क्या कहते हैं? सप्तकोसी। नेपाल में सप्तकोसी। इसमें एक और आके मिलती है कमला, एक तो बागमती, कमला और बागमती, कमला बागमती किसके पानी को बढ़ा देते हैं? कोसी के पानी को बढ़ा। इस साइड से एक और आके मिल जाती है महानंदा। कौन नदी? महानंदा। कौन सी नदी? महानंदा। किसी को दिक्कत? महानंदा नदी। क्वेश्चन एक बार पूछा था कि गंगा में मिलने वाली बाएं किनारे से, तो गंगा का मुंह तो इधर है, तो बाया छोर कौन सा होगा? ऊपर या नीचे वाला? ऊपर वाला। तो बाएं छोर से, गंगा में मिलने वाले बाएं छोर से अंतिम नदी कौन सी है? महानंदा। अंतिम छोर से मिलने वाली महानंदा नदी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है महानंदा नदी में? ये दार्जिलिंग के पास से आती है महानंदा नदी। नाम लिख दे, आप बताइए। ये नदी केवर करमनास, ये गंगा, ये पुनपुन नदी, फल्गु कीउल, ये सरयू या गंडक। अयोध्या में इसे क्या कहा जाता है? सरयू। और इसके बाद आ जाती है तो इसे क्या कहते हैं? गंडक। सॉरी, हाँ घाघरा कहते हैं जी, गंडक नहीं घाघरा। तो भी जीए लिखाएगा, सरयू या घाघरा। आप में से छपरा का कोई है? सारण। कौन सी नदी है वहां? पता नहीं उसको। घाघरा नदी है, बहुत बड़ी नदी है घाघरा, उसको पता ही नहीं है। ये नदी कौन सी है? गंडक। गंडक हाजीपुर के पास, सोनपुर में कौन आके मिलती है? गंडक। छपरा में घाघरा, छपरा में बक्सर के पास करमनासा, कोइलवर में सोन, फतुहा में पुनपुन। ये नदी बोलिए फल्गु, ये नदी महानंद, ये महानंदा। महानंदा कौन? कोसी कोसी चिल्ला रहा है।